इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। और तुम बहुत सड़के, तब से गुजी खोले जा रहे हो, सर देश की तुम्हारे नाक में घुसी का। भैया मछलियाँ कितनी दूर पड़ेगी यहाँ से? इले जल्दी वापस कह दे। अच्छा चाची, अच्छा नहीं लग रहा है, पागल। ठीक है चलो, राम राम। राम राम मालिक, वो जमीन हमारा है, वो हमारी रोजी रोटी है, वो आपने लियो। खन की जमीन है मालिक, और वही सहारे है और पेट की रोजी रोटी है। तुम्हारा नाम प्यारे है? जी मालिक। वो जमीन नहीं मिलेगी। ऐसा न करो मालिक, ऐसा न करो मालिक, हम मर जाएंगे मालिक। अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक। का है? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, विद्या ने तुमको बताया नहीं कोई मिलना चाहती है? हाँ बताया था, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ मर गया भोसड़ी। ये गाली का दे रहे हो? क्या करें, इतनी देर से चूतिया बने बैठे हैं। का पता वो तुम्हारे सामने बैठा हो। मतलब? मतलब हम बुलाए थे। तुम? हाँ। का है? कुछ बात करनी थी तुमसे। का बात करनी? यही कि का बात करनी थी, बोलो। कुछ नहीं। अब बोली हो। वो हम प्यार करते हैं तुमसे। का? हाँ। अच्छा तो ये सब बताने के लिए बुलाई हो? का कुछ गलत कह दिए? नहीं, चलो हम चलते। अरे सुनो तो, इतना कौन भाव खाता है? अब फिर से सूप मांगने जाना पड़ेगा। राम राम मालिक। राम राम। गज्जा भैया ने हमारी जमीन हड़प ली है, वो बोले है नहीं देंगे और जान से मारने की धमकी दी है, और वही सहारे है और पेट की रोजी रोटी, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालिक आप ही सहारा हो। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। जय सिंह। जी भैया। इनका जरा देख के आओ, गज्जा का क्या मामला है। जी
आइए आइए। इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी भी क्या नाराजगी, बैठ करके बात हो सकती है, बैठिए। बताइए क्या बात करनी थी। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, अगर मामला बात से निपट जाए तो ज्यादा सही रहेगा। हम भी तो चाहते हैं मामला इसी तरह से निपट जाए। देखिए उस दिन सरपंच जी ने हमारा नाच ही बंद करवा दिया। देखिए वो जमीन नहीं मिलेगी। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वही करेंगे। जो करना है कर लीजिए, जमीन नहीं मिलेगी। चलिए चलिए उठिए और सरपंच जी से कह दीजिएगा गांव की चिंता करना छोड़ दे, गांव के लिए हम लोग हैं। कहाँ है तेरा बाप गज्जा? मैंने समझाया था कि गांव वालों को परेशान ना करे, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझा देना अपने बाप को। चोट क्या हुआ? वो सरपंच आया था, बोल के गया कि अपने बाप से बोल देना कि गांव वालों को परेशान करना छोड़ दे। घर में पूरा तोड़फोड़ करके गया, मैं भी मार के गया साला। तो चलते हैं आज फिर सरपंच का हिसाब कर ही देते हैं। चल के कल सरपंच, तू कहाँ है? तूने कच्चा से पंगा लिया था ना? तेरी ये हिम्मत, निकाल सरपंच, तू मेरे घर में घुसकर तोड़फाड़ करेगा। मैंने पहले ही समझाया था कि मेरे गांव वालों को परेशान मत करना। तुम्हारे गांव वालों को परेशान कौन होता है? तेरा पूरा होता तेरा वक्त की कहानी खत्म हो चुकी है। चलो।